कह रहे तेरी खूबसूरती पर तो शीला और मुन्नी भी फिदा है, मेरे को अगर चांस मिल जाए तो बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग करके उनकी तो छुट्टी कर दूं। तू तो मेल वर्जन है ऐश्वर्या राय का, लोगों को तेरी खूबसूरती की कदर नहीं है। चल मारी, अरे साला तेरी मेरी रानी का कांच फोड़ा, एक गाड़ी रोक। अबे ओ भूतने की औलाद कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे गाड़ी के टायर में, पागल है क्या? अभी तक रानी को खरीदे 2 ही महीना हुए और तूने उसको सीधा ठोक दिया। अभी तक मैंने नहीं ठोका साला, अभी किसके आईने में देखूंगा मैं अपनी चैन से सुंदर शक्ल। टैक्सी खाली है, साइड मिरर टूट गए, चलेगा तो बोल। क्या हुआ ब्रदर, सुबह सुबह इतने टेंशन में क्यों? अरे सवेरे सवेरे किसी येड़े ने मेरी इमेज को डैमेज कर डाला। सुबह सुबह क्या खुद की शक्ल देखी थी? अबे पहली गाड़ी पकड़ के मेरे जले पे यहाँ तू नमक छिड़कने के लिए आया क्या? नहीं मैं बस कह रहा था। किधर जाने का है वो बोल। पार्ला जाना है मुझे। हाँ तो चलो ना, छोड़ता हूँ, लो सामान लो। साला ये भी एक साइड से डैमेज ही है मेरी रानी की तरह, लगता है ये भी कहीं से ठुकवा के आया है। चल अंदर। भाऊ किधर से हो तुम? तुम कोल्हापुर से हो ना? माँ आइला, तुमको कैसा पता चला? तुम्हारे स्टाइल से पता चलता है, पूरे कैरेक्टर हो। स्टाइल पे तो पूरा कोल्हापुर मरता है। यहाँ मुंबई में कब से हो तुम? यहाँ पे लगभग अपन को 15 साल हो गए। वैसे तुम कहाँ से हो? गई है तुम्हारी? 5 साल पहले हुई। अच्छा। थी बाइकों का हवाला है। और बच्चे? और तुम्हारी 2 बच्चे हैं मेरे को। क्या हुआ, मुंह क्यों उतर गया तुम्हारा? हमेशा सवाल मेरा होता है और जवाब पैसेंजर का होता है, लेकिन आज तो सारा सब उल्टा हो रहा है। इसको गाड़ी से उतारने से पहले एक सवाल तो पूछो। देखो एक मिनट, मेरे को भी तुमको एक सवाल पूछने का है। ठीक है पूछो। बोलने का नहीं है बीच में? हाँ नहीं बोलूंगा। ये बताओ इधर कौन सा काम से आया है? यहीं जाना है मुझे, ये लेफ्ट में गाड़ी लगा दो। यहीं लेफ्ट मारी, कसला पैसेंजर है, केबीसी खेल रहा है मेरे साथ। चलो उतरो। साला आज का दिन ही खराब है, पूरे रास्ते में इसकी बकबक सुननी पड़ी। पता नहीं बैग में क्या भर के लाया है। थैंक्स साहब। पैसा? यहीं वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे भाई इसको एक चाय देना, फिर टपका। अरे मेरे को मुंह है मांगने को। हाँ जानता हूँ, उसी मुंह के लिए तो चाय मंगाई है। हेलो सर। हाय, आई एम कृष्णा फ्रॉम चेन्नई, दिस इज माय आईडी कार्ड। थैंक यू। हेलो ब्रदर, चलें। क्या बात है, ऐसे चुप क्यों बैठे हो? हे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे भाई? अरे तुम बोलने दोगे तब ना, पुलिस के माफिक सवाल पे सवाल पूछते हो। अगर केबीसी में इतने सवालों के जवाब देता ना तो आज मैं करोड़पति होता। तुमने अपने बारे में अभी तक बताया क्या? तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, यही ना? तो पूछो क्या जानना है। थैंक यू भाई। अरे यही वो जगह, यही यहाँ, मुझे यहाँ भी जाना है। अरे पीछे चली गई, रुको ना। अरे यू टर्न मारता हूँ। अभी तो दिल करता है कि टैक्सी से पूछ जाऊँ। शक्ल से कितना भोला है, लगता है गांवठी देशी पी पी के बोर हो गया है, इसलिए मुंबई में अंग्रेजी पीने आ गया है। साला बिना पिए ये लड़खड़ा के चलता है, पीने के बाद तो ब्रेकडांस ही करने लगेगा। सलाम भाई। हाँ। अमर भाई से मिलने कोई लड़का है? अमर से? वो रहा सामने बैठा है। क्या रे, किससे मिलने आया है? ओ, वो मैं, आई एम कृष्णा, चेन्नई से आया हूँ। मैं राजू का भाई हूँ, मैं उसी का पता लगाने आया हूँ। किसी ने कहा अमर उसका अच्छा दोस्त है, उनसे मिल सकता हूँ मैं? राजू? कौन राजू? अगर मैं अमर से मिल लूँ तो उन्हें? मैं नहीं जानता किसी राजू को। एक्सक्यूज मी, अमर कहाँ है? बोला तो ना, क्या निकल? अरे भाई साहब ठीक है ना आप? इधर आ, आ जा। उन लोगों से क्या पूछ रहा था तू उधर?
राजू हाँ? राजू राजू गीदड़ों को एक शेर के बारे में क्या पता होगा? कुछ नहीं। राजू भाई मुंबई का किंग। किंग है वो। तू कौन रे? मैं कृष्णा, राजू का भाई। भाई? कृष्णा? अरे बैठो 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 आराम से। राजू भाई का भाई। ड्रिंक 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 लो, ये लो, पियो पियो पियो। नहीं नहीं चीयर्स। नहीं मैं ड्रिंक्स नहीं लेता। पीते नहीं हो? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। राजू भाई तुम जानते हो राजू भाई क्या चीज थी? उनका नाम लेते ही लोगों की पेशाब छूट जाती थी। राजू भाई के नाम से पूरी मुंबई कांपती थी। Cheers! राजू भाई मेरा फ्रेंड, राजू भाई किंग। राजू भाई आएगा तो सबको मारेगा 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 सबको सब। राजू भाई, राजू भाई। हे, ये पक्का झेंगो क्या है? तेरी तो साले, ये क्या क्या है? माफ कर दो साहब। अबे भूतनी क्या दिखता नहीं है क्या? अभी भी नई गाड़ी करके दिमाग है कि नहीं तेरे पास? चल यहाँ से। जा रहा हूँ। क्या हुआ? मुझे बीच में ही छोड़ के भाग रहे थे? क्यों ना छोड़ू, मैंने पूरी स्टोरी सुनी, मुझे तुम्हारा पूरा फ्लैशबैक पता चल गया। पहले बोलने को नहीं होता, नहीं बोलने को होता पहले कि तुम राजू भाई के भाई हो। ये देखो ऊपर देखो, तुम्हें क्या लगता है ये गाड़ी में जो मैंने स्टिकर लगाया अपने शौक के लिए लगाए क्या? देखो होल है इसमें, ये होल मेरी रानी में ऐसे नहीं बने। तुम्हारा भाई बैठे शूट आउट हो गया, लोगों के गाड़ी के टायर पंचर होते हैं लेकिन तुम्हारे भाई ने पूरी गाड़ी पंचर कर दी। तुम लोगों को सवाल पूछ पूछ के मारते हो और तुम्हारा भाई लोगों को गोलियां चला के मारता है। तुम दोनों भाइयों को खाली मेरी गाड़ी मिलती है क्या? ए भाई, छोटे छोटे बच्चे बूढ़ी माँ है मेरे को और मेरे को रानी में ज्यादा होल नहीं करवाने, इसलिए मेरे को माफ कर दे। तू जा बाबा। अरे तू बाजू लाओ रे, एक तो डेढ़ पैर लेके आ गया। अरे सुनो तो, सुबह सुबह चाय की जगह देसी मार है क्या? रे यार, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नुकसान जो है उसका पैसा कौन भर के देगा? सुबह से बोनी नहीं हुई रे। बच गया, चला गया। अरे तुम अंदर आके कब बैठा? मैंने रिक्शा की फ्रंट साइड ठोक दी और तू अपनी बैक साइड टिका के बैठा है। तुम्हारा भाई वायलेंट किलर था और तुम तो साइलेंट किलर है बाबा। इसका मतलब मेरे को तुम दोनों भाइयों को इधर मुंबई में झेलना ही पड़ेगा। अब बोलो किधर जाने का है तुमको? कामाटीपुरा चलने का। कामाटीपुरा यही चौथा है, जब सही उम्र में शादी नहीं होती तो यही चौथा है। चलो अच्छा है, जवानी उफान तो मार रही है। चलो गो। किधर है वो? किधर है? इधर ही बैठा था भाई, इधर ही। इधर बैठा था तो क्या? किधर? Excuse me. Can I meet Mr. Manoj here? What's your good name, sir? I'm Krishna, Raju's brother. रानी तो पप्पा नहीं। चल खेल खेल। हाय, आई हैव कम टू मीट मिस्टर जेके।
ए, कौन है वो? राजू भाई का ब्रदर, जेके साहब से मिलने आया है। ए, इधर क्यों आया बोल? हाँ? नहीं, मैं बोल इधर क्यों आया? सर, क्या काम है तेरे को? इधर बोल, मैं, बोल, मैं बस बोल वरना ठोक दूंगा। बहुत चर्बी चढ़ी क्या तेरे को? हाथ हटाओ, हट। अगर तू सच्चा मर्द होता ना तो उस दिन इसके भाई को छू के दिखाता। इस बेचारे को धमकी क्यों दे रहा है? तुम्हारे भाई ने इसे बहुत मारा था, इसीलिए भड़ास निकाल रहा है। बोल, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? दरअसल मैं अपने भाई राजू को ढूंढ रहा हूं। किसी ने कहा कि आपको शायद कुछ पता होगा। राजू वो उसूलों का पक्का था और अपने काम में परफेक्ट पूरी लाइफ। पूरी लाइफ में मैंने उसके जैसा आदमी नहीं देखा। मैंने उनके साथ बहुत बिजनेस भी किया और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। एक दिन मेरी चंदू के साथ मीटिंग थी पर वो अमर ने कैंसिल कर दी। उसके बाद मैं उन दोनों से कभी नहीं मिला। करीम उस गैंग का बहुत खास आदमी था। अगर तुम मुझसे मिलो तो शायद अपने भाई के बारे में कुछ पता लगा सको। करीम भाई आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आपका इंतजार कर रहा है।